लेंथ है वो हमारा 10 मीटर, लेकिन हम लोग जो इसमें क्या करेंगे, जो SFD BMD जो ड्रॉ करेंगे, इसका सेक्शन हम लोग पर स्पान क्या करेंगे, सेक्शन काट कर इसका क्या करने वाले, SFD BMD प्लॉट करने वाले। ओके, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। ओके फ्रेंड, और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम समझते हैं कि यह बीम क्या कह रहा है। ठीक है, देख सकते हैं ये हमारा क्या सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, जिस पर अगर ए पॉइंट पर बात करें और बी पॉइंट पर क्या बात करें, वो हमारा क्या सपोर्ट है। ठीक है, आर ए रिएक्शन आएगा, यहाँ पर आर बी रिएक्शन आएगा। ओके, और इसकी अगर बात करें, इसमें जो लोड लग रहा है, ठीक है, लोड लग रहा है वो हमारा क्या लग रहा है, पॉइंट ए। ठीक है, मतलब कि हमारा जो लोड लग रहा है 5 किलोन्यूटन का, वो हमारा क्या लग रहा है, जो फिक्स पॉइंट है हमारा, जो कि हमारा जो एंड पॉइंट है हमारा, उससे 3 मीटर के डिस्टेंस पर क्या लग रहा है, सी पॉइंट पर हमारा 5 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है। और वहीं से अगर बात करें, 3 इधर हो गया फ्रेंड, इधर 2 हो गया, तो बीच में हमारा कितना बच रहा है, 5 मीटर का बच रहा है। मतलब कि 8 मीटर से क्या बोल सकते हैं कि पॉइंट ए, मतलब कि हमारा जो इन पॉइंट है, इन पॉइंट से हमारा 8 मीटर पर क्या लग रहा है, पॉइंट डी पर 7 किलोन्यूटन का क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, या फिर लोड या फिर फोर्स लग रहा है। ओके, तो इसको सबसे पहले हम लोग फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम बताता है कि समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स एंड समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड जो हमारा जो मोमेंट होगा, तीनों की जो वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए, मतलब कि तीनों क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ओके, तो ना हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। ओके, तो ना देख सकते हैं फ्रेंड कि आर ए एंड आर बी जो हमारे जो इंड पॉइंट पर जो सपोर्ट है, ओके, उसका जो रिएक्शन क्या लग रहा है, ऊपर की ओर लगेगा आर ए प्लस आर बी। ओके, तो आर ए प्लस आर बी। अब फ्रेंड यहाँ पर क्या लग रहा है, नीचे डाउनवर्ड हमारा क्या लग रहा है, डोर लग रहा है 5 किलोन्यूटन का और 7 किलोन्यूटन का। ठीक है, सी पॉइंट पर डी पॉइंट पर, तो क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, हमारा नेट फोर्स यहाँ पर जो आना चाहिए यहाँ 0, इसलिए क्या करना पड़ेगा, -5 -7, तो वो हमारा आ जाएगा 0। ओके, तो इसलिए यहाँ पर आर ए प्लस आर बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जा रही है, 12 किलोन्यूटन आ जा रही है। ठीक है, ना यहाँ पर हम लोग क्या किए कि हमारा जो भी ऑल वर्टिकल फोर्स था उसको, उसके समीशन को हम लोग 0 कर दिए। ना हम लोग बात करते हैं इसकी जो मोमेंट होती है अबाउट बी। ओके, हम लोग यहाँ पर जो मोमेंट कंसिडर करके चल रहे हैं अबाउट बी, मतलब कि ए बी पॉइंट पर हम लोग फिक्स कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग क्या ले रहे हैं, मोमेंट लेना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ना फ्रेंड बात करते हैं अगर बी पॉइंट को फिक्स किए, ठीक है, बी पॉइंट पर अगर ये सपोज ये फिक्स है। ओके, ना हम लोग बात करते हैं कि आर ए इंटू 10, आर ए कैसे होगा फ्रेंड, आर ए जो भी हमारा क्या हो गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स हो गया हमारा आर ए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना फ्रेंड, 10 मीटर का। ठीक है, तो आर ए इंटू 10, ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड, क्लॉकवाइज। अब यह आ रहा फ्रेंड 5 किलोन्यूटन का। ठीक है, तो 5 किलोन्यूटन क्या लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, माइनस में। ओके, तो -5, ठीक है, देख सकते हैं -5 इंटू हो जाएगा 7, क्योंकि ये फ्रंट 2 मीटर है, ये हमारा कितना डिस्टेंस, ये 5 मीटर। ओके, ये हमारा जो डिस्टेंस है 5 मीटर, तो 5 + 2 मतलब 7, तो 5 × 7 अबाउट बी हो जाएगा, तो -5 × 7 सिमिलरली हो जाएगा -7 × 2। ठीक है, तो 7 देख सकते हैं इसकी डिस्टेंस है हमारी 2 मीटर और यहाँ पर जो लोड लग रहा है वो है 7 किलोन्यूटन का। ओके, तो ना फ्रेंड यहाँ पर जो आर ए की वैल्यू आ जाती है, ठीक है, वो आ जाती है 4.9 किलोन्यूटन। ठीक है, सिमिलरली जब इसको वैल्यू पुट करिएगा तो यहाँ पर जो इसकी आर की वैल्यू आ जाएगी 4.9 किलोन्यूटन। ओके, ना बात करते हैं आरबी की वैल्यू, तो फ्रेंड जब आर ए की वैल्यू 4.9 आएगी और जब इस इक्वेशन पर जब हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, आरबी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आ जाएगी 12 - 4.9 किलोन्यूटन। ठीक है, तो आ जाएगी हमारी 7.9 किलोन्यूटन। ओके, तो हमें फ्रेंड क्या पता चल गया, आर ए की वैल्यू निकल गई और आरबी की वैल्यू निकल गई, मतलब कि जो रिएक्शन लगने वाला आर ए और आरबी, वो हमने वैल्यू फाइंड कर लिया कि 7.1 लगने वाली है और 4.9 लगने वाली है। ओके, ना फ्रेंड बात करते हैं कि जब भी हम एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने वाले हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो अहम रोल निभाता वो हमारा क्या निभाता, जो हमारा जो साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन जो बहुत बड़ा रोल निभाता है कि हम किस डायरेक्शन चल रहे हैं और किस डायरेक्शन चलने पर हम लोग कौन सा पॉइंट को या कौन सा फोर्स को या कौन सा मोमेंट को क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं या फिर पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कंसीडर करके चल रहे हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम इन ए। ठीक है, हम लोग जो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग ए पॉइंट से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और जो साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करेंगे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फॉर पॉजिटिव शियर फोर्स। मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम लोग लेफ्ट से चल रहे हैं, ओके, अगर हम लोग लेफ्ट से चल रहे हैं और जो इतनी सारी हमारी जो वर्टिकल फोर्स आएगी जब हम लोग लेफ्ट से चलेंगे तो वो हम लोग क्या करें, कंसीडर करेंगे पॉजिटिव। ठीक है, देख सकते हैं पॉजिटिव। और अगर हम लोग राइट से चलें, सिमिलरली अगर राइट से चलेंगे और जितनी भी अगर नेगेटिव फोर्स आएगी, मतलब कि डाउनवर्ड फोर्स आएगी, उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे पॉजिटिव इन केस ऑफ शियर फोर्स। ठीक है, सिमिलरली अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो देख सकते हैं फ्रेंड, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से चल रहे और क्या होगा, जितनी सारी अगर क्लॉकवाइज अगर मोमेंट आती है वो हम लोग कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, और जितनी सारी हमारा जो अगर चले, अगर हम लोग राइट से चले, देख सकते हैं अगर हम लोग राइट से चले और जितनी हमारा आ जाएगी एंटी क्लॉकवाइज अगर मोमेंट की बात करें तो वो भी हम लोग कंसिडर करेंगे पॉजिटिव।
ठीक है, ये हमारा हो गया साइन कन्वेंशन। ना हम लोग ड्रॉ करते हैं एसएफडी, ठीक है। तो एसएफडी ड्रॉ करने पहले सबसे पहले फ्रेंड क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर मेथड अपनाने वो हम लोग क्या करें सेक्शन बाय सेक्शन लेके चल रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, देख सकते हैं ये हमारा स्पान हो गया एसी, ओके, ये हमारा हो गया स्पान एसी। इसमें क्या करते हैं किसी एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है, देख सकते हैं किसी एक्स डिस्टेंस पर क्या करते हैं क्रॉस सेक्शन एक कट करते हैं, ठीक है, एक सेक्शन कट कर रहे हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं कि x होगी ऑब्वियस बात है जो जीरो तो हो नहीं सकते, जीरो से ग्रेटर देन होगी, लेकिन क्या होगी थ्री, जो हमारा 3 मीटर का जो एसी स्पान है उससे क्या होगी कम होगी, ठीक है। तो पहला हम लोग पॉइंट लेके चलते हैं कि जो हमारी x की वैल्यू है वो जीरो के बराबर भी हो सकती है, इससे बड़े भी हो सकती है, लेकिन 3 से हमारे क्या छोटा है, ठीक है। तो इस सेक्शन को अगर ले रहे हैं, इस सेक्शन पर अगर फ्रेंड हाथ रखते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या एक ही यहाँ पर क्या लग रहा है शियर फोर्स लग रहा है जो कि हमारा आ रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर जो फोर्स आएगी, ठीक है, जो शियर फोर्स आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी 4.9 किलो न्यूटन, जो कि ओनली क्या यहाँ पर रिएक्शन है 8A, ठीक है, देख सकते हैं ओनली क्या है रिएक्शन 8A। ना फ्रेंड बात करते हैं अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमारा जो सेक्शन हो गया यहाँ पर तो एसी में तो ओनली क्या लग रहा है एक ही शियर फोर्स आने वाली है। ना हम लोग बात करते हैं सीडी स्पान के लिए, ठीक है। तो सीडी स्पान के लिए फ्रेंड सिमिलरली हम लोग जो हमारा इन पॉइंट था वहां से अगेन एक्स डिस्टेंस पर क्या ले रहे हैं एक सेक्शन ले कट कर रहे हैं, ठीक। अब सिमिलरली जब x डिस्टेंस पर सेक्शन कर रहे हैं तो इसकी जो x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, ठीक है, तो जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 3 से ग्रेटर देन भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, लेकिन क्या हो जाएगी यहां पर 5 मीटर या 3 मीटर मतलब 8 मीटर तो 8 मीटर से छोटी होगी, ठीक है। तो देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू होगी वो 3 के बराबर हो सकती है, उससे ग्रेटर देन भी हो सकती है, लेकिन लेस देन होती है 8, मतलब कि जो जनरली x की वैल्यू है वो 3 से 8 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। तो उस केस में ना फ्रेंड अगेन हम लोग क्या करते हैं यहाँ हाथ रख दीजिए, हाथ रखने से क्या पता चल जाएगा फ्रेंड, देख सकते हैं एक हमारा आर रिएक्शन आ रहा है और एक हमारा क्या जो कि अपवर्ड है मतलब कि पॉजिटिव, और एक हमारा आ जा रहा है नेगेटिव जो कि 5 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड है, ठीक है। तो यह फ्रेंड क्या हो जाएगा देख सकते हैं, ये हो जाएगा 4.9 जो कि रिएक्शन था आर, देख सकते हैं आर रिएक्शन, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा जो आपका डाउनवर्ड था, ठीक है, डाउनवर्ड था हमारा 5 किलो न्यूटन का, तो आ जाएगा यहाँ पर 5, तो आ जाएगा हमारा माइनस में, याद रखिएगा माइनस में 0.1 किलो न्यूटन आ जाएगा, ओके। ना अगेन हम लोग सिमिलरली हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारा स्पान रहा डीबी, ठीक है, ये हमारा स्पान डीबी, तो इस केस में भी फ्रेंड अगेन हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पर क्या लेते हैं एक्स डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, आर एम मतलब जो हमारा इन पॉइंट था वहां से अगेन एक्स डिस्टेंस पर क्या लेते हैं एक सेक्शन कट कर रहे, देख सकते हैं एक सेक्शन कट किए, अगेन फ्रेंड सिमिलरली इसकी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी तो 5.38 मतलब कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 और टोटल जो डिस्टेंस फ्रेंड कितना 10 मीटर, मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है 8 के बराबर भी हो सकती है या उससे बड़ा भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो 10 मीटर है उससे छोटी होगी एक्स की डिस्टेंस, ठीक है, देख सकते हैं। तो x की वैल्यू कहाँ कहाँ लाइक करेगी 8 और 10 के बीच में लाइक करने वाली, ठीक है। तो सिमिलरली जो हम सेक्शन कट किए थे फ्रेंड अगेन यहाँ पर हाथ अगर रखते हैं तो इसके लेफ्ट साइड में कितना एक हमारा वर्टिकल फोर्स लग रहा है, देख सकते हैं एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है जो कि यहाँ रिएक्शन है 8A, और दो हमारी क्या लग रही है यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, ठीक है। तो आर हो जाएगा माइनस हो जाएगा -5 और माइनस हो जाएगा 7, ठीक है। तो सिमिलरली देख सकते हैं क्या हो जाएगा 4.9 -5 -7, तो ओवरऑल जो हमारी आ जाएगी जो फोर्स आ जाएगी, ठीक है, जो हमारा जो डीबी स्पान में जो हमारा जो फोर्स आ रहा है वो देख सकते हैं वो हमारा आ जाएगा -7.1 किलो न्यूटन का, ओके। तो इसको आप इजिली प्लॉट कर सकते हैं, तो देख सकते हैं इसको अगर प्लॉट करें तो क्या हो जाएगा 8A की बात करें, ठीक है, जब हमारा क्या था मतलब कि जी जब हमारा जो स्पान में हमने जो एज्यूम किया था एसी के, ठीक है, तो एसी केस में क्या आ रहा 4.9 किलो न्यूटन, ठीक है। तो 4.9 किलो न्यूटन सपोज यहाँ होगा फ्रंट, ओके 4.9 किलो न्यूटन, ओके। अब फ्रेंड देख सकते हैं कि 4.9 तो चल गए, लेकिन अभी तक जो एसी स्पान है अभी तक यहाँ पर कोई भी लोड नहीं लग रहा, जब कोई भी लोड नहीं लग रहा मतलब कि हमारा जो डायग्राम जाएगा वो क्या जाएगा स्ट्रेट जाएगा, ओके स्ट्रेट गया। ना फ्रेंड देख सकते हैं कि अब यहाँ पर क्या लग रहा है, ये डाउनवर्ड लग रहा है 5 किलो न्यूटन का, तो डाउनवर्ड लग रहा है और यहाँ पर कितना है ओनली है यहाँ पर 4.9 किलो न्यूटन, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा नीचे 4.9 किलो न्यूटन गए, अगेन क्या जा रहा है जाना पड़ेगा हमें नीचे 0.1 जाना पड़ेगा नीचे, इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर टोटल ओवरऑल जो हमारी जो लोड लग रही है डाउनलोड वो कितनी लग रही है 5 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0.1 किलो न्यूटन हो जाएगा, ओके विथ नेगेटिव, और ये तो हमारा 4.9 किलो न्यूटन है ही, ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड सी डी के स्पान में अभी तक कोई भी यहाँ पर क्या लोड नहीं लग रहा, जब लोड नहीं लग रहा तो हमारा क्या जाएगा मतलब कॉन्स्टेंट या स्ट्रेट लाइन हम लोग जाएंगे आगे की ओर चलते जाएंगे, जैसे हम लोग डी पॉइंट पर गए वहां पर सडन बोल रहा है कि यहाँ पर जो कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है वो लग रहा है 7 किलो न्यूटन का, ठीक है, तो वो अगेन हमारा क्या हो जाएगा 7 किलो न्यूटन का नीचे आ जाएंगे, ओके ओके। ना फ्रेंड देख सकते हैं 7 किलो न्यूटन का क्या लग रहा है डाउनवर्ड लग रहा है, तो 7 किलो न्यूटन हमें नीचे जाना पड़ेगा, ओके। और ना फ्रेंड जाने के बाद हमारा देख सकते हैं कि क्या है अभी तक डी और बी जो स्पान है उनके बीच में कोई भी लोड नहीं लग
रहा तो वो हमारा क्या अगेन क्या जाएगा, सीधा क्रॉस स्ट्रेट जाता जाता चले जाएगा, और जैसे भी बी पॉइंट पर आए तो वो हमारा क्या बोल रहा है कि 7.1 न्यूटन अपवर्ड फोर्स लग रहा है। देख सकते हैं 7.1 का जो आरबी रिएक्शन है वो अपवर्ड लग रहा है 7.1 न्यूटन का, तो यहाँ पर क्या जाएंगे ऊपर की ओर जाके बी पॉइंट में हमारा मिल जाएगा। ओके, तो ये जो हमारा क्या हो गया 7.1 किलो न्यूटन हो गया, ये हमारा क्या हो गया 7 किलो न्यूटन का हो गया जो कि नेगेटिव है। ठीक है, तो देख सकते हैं अगर हम मिलाना चाहे मिला सकते हैं, जो ए पॉइंट पर जो हमारा था 4.9 किलो न्यूटन का था, देख सकते हैं 4.9 किलो न्यूटन गया, और जैसे भी हमारा सी पॉइंट पर गए तो सी पॉइंट पर हमारा जो डाउनवर्ड कितना लगा एक्स्ट्रा, वो हमारा क्या लगा -0.1 किलो न्यूटन का। ठीक है, तो -0.1 किलो न्यूटन का देख सकते हैं यहाँ पर लगा। देन हमारा अगर बात करें कि जो हमारा जो थर्ड स्पान था जो कि हमारा था डी बी, वो उसमें कितना -7.1। ठीक है, तो देख सकते हैं -7.1 क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या स्ट्रेट गया और डी पॉइंट के बाद क्या लग रहा है जब 7 किलो न्यूटन का लोड लगा, और देन फर्दर क्या होगा फ्रेंड आगे बढ़ते चलेगा और देन फर्दर हमारा डी पॉइंट पर क्या हो गया जो 7.1 किलो न्यूटन अपवर्ड लग रहा, तो उसको कर देने पर हमारा क्या होगा बी पॉइंट पर वहां पर पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया फ्रेंड, ये हमारा क्या हो गया पॉजिटिव, और ये जो टोटल हो गया ये हमारा टोटल हो गया मतलब कि नेगेटिव, और ये टोटल जो डायग्राम बना ये हमारा बन गया शियर फोर्स डायग्राम। ओके, ना हम लोग बात करते हैं बीएमडी। ठीक है, बीएमडी मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो सिमिलरली फ्रेंड की बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को पता है कि मोमेंट क्या होता है फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ना सिमिलरली फ्रेंड हम लोग अगेन लेते हैं जो हमारा जो सेक्शन लेते हैं, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पर हमने जो सेक्शन लिया था, अगेन यहाँ पर सिमिलरली कि एक्स की वैल्यू जीरो से थ्री के बीच में लाई करने वाली है। ठीक है, अगर इस तरह के हम सेक्शन अगर यहाँ पर सिमिलरली के हाथ रखें तो जैसे अगर मोमेंट की बात करें तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, जो भी होगा हमारा क्या हो जाएगा मोमेंट की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, देख सकते हैं फ्रेंड आर ए और इन टू हो जाएगी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आर ए हो गई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी फ्रेंड एक्स है, तो आर ए इंटू एक्स किस केस में, जब एक्स की वैल्यू जीरो और थ्री के बीच में लाइक कर रही होगी। ओके, तो देख सकते हैं कि बीएमडी केस में जीरो और थ्री के बीच में हमारी एक्स लाइक कर रही है, तो जो मोमेंट लिखी जाएगी ठीक है एट ए डिस्टेंस एक्स वो हमारी हो जाएगी आर ए इंटू एक्स। ठीक है, आर ए इंटू एक्स और आर ए की वैल्यू कितनी है 4.9 किलो न्यूटन, देख सकते हैं 4.9 किलो न्यूटन। ठीक है, तो 4.9 इंटू एक्स हो गई। अब ना हम लोग बात करते हैं कि एट डिस्टेंस एक्स इक्वल टू जीरो, जब हमारी क्या कोई भी मतलब कि जो डिस्टेंस मतलब कि हम बात करें एट सपोर्ट की बार बात करें, ठीक है एट सपोर्ट पर बात करें तो हमारी क्या एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो उस एट सपोर्ट पर कोई भी मोमेंट नहीं होगा, मतलब कि एम ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। अगर हम x बराबर थ्री की बात करें, x बराबर थ्री के फ्रेंड जहां पर क्या लग रहा है पॉइंट लोड लग रहा है या फिर कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है जो कि 5 किलो न्यूटन का लग रहा है। ओके, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर थ्री हो जाएगी, तो ना बात करें यहां पर 4.9 इंटू थ्री पुट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 14.7 आ जाएगी किलो न्यूटन मीटर में। ठीक है, तो एम सी की यहाँ पर जो एम जो मोमेंट निकला एट पॉइंट सी वो होने वाला है 14.7 किलो न्यूटन मीटर में। ठीक है, ना हम लोग फ्रेंड हमने जो अभी बात किया वो एसी स्पान के लिए बात किया, एसी स्पान के लिए ना हम लोग बात करते हैं सीडी स्पान के लिए। तो सिमिलरली हम लोग क्या लिखते हैं मतलब कि जो यहाँ पर सेक्शन कट रहे हैं कट करेंगे वो एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम क्या बोल सकते हैं ए पॉइंट ए। ठीक है, जो कि हमारा क्या होगा सीडी स्पान के लिए होगा, तो ना बात करते हैं कि देख सकते हैं जो कि क्या हो जाएगा जो एक्स की वैल्यू लाइक करेगी थ्री से एट के बीच में लाइक करने वाली है, तो मोमेंट क्या होगा फ्रेंड मोमेंट देख से लिख सकते हैं। ओके, देख सकते हैं अगर यहाँ हाथ रखें तो क्या हो जाएगा फ्रेंड आर ए इंटू एक्स। ठीक है, ये आर ए हो गया हमारा फोर्स और ये जो हमारी एक्स हो गई है क्या होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। ओके, अब ना बात करते हैं कि जो हमारा जो हम मोमेंट ले रहे हैं ये हमारा सेक्शन है एक्स, जो हमारा जो डिस्टेंस है इसके बाद मोमेंट लेने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड क्या हो जाएगा ये तो फोर्स हो गया, अब हमें चाहिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकले, तो टोटल है फ्रेंड यहाँ से इन ए पॉइंट से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारा एक्स, जब एक्स में जब थ्री मीटर घटा देंगे तो फ्रेंड ये हमारा टोटल यहाँ पर जो डिस्टेंस है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमें निकल जाएगा। तो सिमिलरली फ्रेंड यही हमने किया, देख सकते हैं ये आर की वैल्यू 4.9 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, देख सकते हैं ये 5 और टोटल में से एक्स में से ये थ्री घटा देंगे तो ये जो वैल्यू निकल जाएगी एक्स माइनस थ्री आ जाएगी। ओके, ना फ्रेंड सिमिलरली जब एक्स की वैल्यू थ्री पुट करेंगे मतलब कि जो मोमेंट होगा एट सी की बात करें वो 14.7 किलो न्यूटन आ रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड वेरीफाई हो गया मतलब कि यहाँ पर जो हम लोग प्रोसीजर जा रहे हैं वो सही लग रहा है। ठीक है, अगर एट की बात करें मतलब कि पॉइंट मतलब कि यहाँ पर डी पॉइंट की बात करें, ठीक है ये हमारा पॉइंट एट की बात करें मतलब 5 और 3 8 मतलब कि इस पॉइंट पर बात करें मोमेंट डी वो आने वाला जब आपकी वैल्यू एट की वैल्यू यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू यहाँ पर एट पुट करिएगा तो आ जाएगा हमारा 14.2 किलो न्यूटन मीटर में। ठीक है, ना अगेन हम लोग बात करते हैं कि फ्रेंड हम जो हमारा जो स्पान था डी बी। ओके, हमारा जो स्पान था डी बी, तो इस केस में सिनेरियो हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक्स की जो हम लोग एट ए डिस्टेंस एक्स लेते हैं फ्रॉम हमारा जो इन पॉइंट था ए
ठीक है, वो हमारा क्या होने वाला है। तो सिमिलरली आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर आप हाथ रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर अगर आप हाथ रखिएगा तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया फोर्स और ये उसकी होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो आर ए इंटू एक्स। अब हम लोग क्या जा रहे हैं, लेफ्ट से जा रहे हैं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, तो हो जाएगा फाइव इंटू, अब टोटल डिस्टेंस फ्रेंड देख सकते हैं हमें जो यहाँ पर मोमेंट कंसिडर करना इस पॉइंट के अबाउट लेना है, ठीक है, इस जो सेक्शन है इसके अबाउट लेना है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, फाइव इंटू ये डिस्टेंस करना पड़ेगा। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो इसके लिए टोटल में से जब थ्री घटा देंगे तो हमारी ये डिस्टेंस आ जाएगी, तो फाइव इंटू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, अब बात करते हैं सेवन किलो न्यूटन की, तो सेवन किलो न्यूटन कैसे निकलेगी, तो सेवन हो गया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली, ओके, तो टोटल में से एक्स माइनस जब हम एट घटा देंगे तो हमारी ये वैल्यू इजिली मिल जाएगी। ठीक है, तो सिमिलरली हमने यही किया फ्रेंड, देख सकते हैं आर ए इंटू एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस थ्री और माइनस कर दी सेवन इंटू एक्स माइनस एट। ओके, नाउ अगर बात करते हैं एट एक्स इक्वल टू एट पर, ठीक है, मतलब कि डी पॉइंट पर बात करें, तो उस केस में अगर एक्स इक्वल टू अगर यहाँ पर एट पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 14.2 किलो न्यूटन मीटर में। ठीक है, तो देख सकते हैं कि हमने जो यहाँ पर जो इसकी जो प्रीवियसली जो हमने बात की थी उसमें भी हमारी आ रही है 14.2, और हमने जो थर्ड स्पान के लिए बात की तो उस केस में भी हमारी जो डी पॉइंट पर जो वैल्यू आ रही है वो 14.2, मतलब अभी भी प्रोसीजर क्या सही जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर x इक्वल टू 10 हो जाए, ठीक है, x इक्वल टू 10 मतलब कि हम लोग बात कर रहे हैं जो हमारे इन पॉइंट था बी पॉइंट उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब x इक्वल टू जब 10 पुट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी मोमेंट एट बी वो हमारी आ जाएगी जीरो। ठीक है, तो हमारी जो मोमेंट आ गई अगेन हमारे क्या आ गई जीरो ना, हम लोग क्या करते हैं इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। ओके, देख सकते हैं फ्रेंड कि ए पॉइंट पर हमारे क्या आ गया जीरो, तो हमने यहाँ पर जीरो प्लॉट कर दिया। सी पॉइंट पर हमारा आ रहा 14.7, ठीक है, सी पॉइंट पर हमारा क्या आ रहा 14.7, तो फ्रेंड देख सकते हैं ये हमारा क्या था सी पॉइंट था, देख सकते हैं ये सी पॉइंट था, तो यहाँ पर हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 14.7। नाउ बात करते हैं कि डी पॉइंट पर, डी देख सकते हैं 14.2 मतलब कि जो सी पॉइंट था उससे कम आ रहा, तो यहाँ पर जो हमारा देख सकते ये हमारा डी पॉइंट हो गया। ओके, डी पॉइंट हो गया तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आ जाएगा सपोज 14.2। ओके, और जो हमारा जो बी पॉइंट था बी पॉइंट में हमारा आ रहा जीरो, तो अगेन हमारा आ जाए जीरो। ओके, ना इसको फ्रेंड मिला सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ओके, तो फ्रेंड देख सकते हैं ये हमारा क्या लिनियर है। ओके, ये हमारा हो गया बीएमडी, ठीक है, ये हमारा हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, ये हमारा कितना था 14.7 और ये हमारा है 14.2। ओके, तो फ्रेंड ये हमारा हो गया बीएमडी और ये हमारा क्या हो गया एसएफडी। ओके फ्रेंड, तो आशा है फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके फ्रेंड, ताकि इस तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अभी भी इस वीडियो की रिगार्डिंग आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली कि अगर आपका सिंपली सपोर्टेड है लेकिन उस केस में अगर यूडीएल है, ठीक है, तो मतलब सिंपली सपोर्टेड विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो उस केस में आपकी जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनने वाली उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।